बॉलीवुड में कई फिल्में हैं जो क्रिकेट पर बनी हैं या फिर किसी भी खिलाड़ी की लाइफ पर बनी है। इसमें भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल है। उनके बायोपिक में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे, जो कि काफी सुपरहिट साबित हुए। वहीं एक बार फिर से देश के बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके सौरभ गांगुली के बायोपिक को लेकर खबरें सामने आ रही है। जहाँ बीते दिनों दादा के बायोपिक को लेकर पहले रणबीर कपूर का नाम सामने आ रहा था, वहीं अब बताया जा रहा है कि आयुष्मान खुराना इस किरदार में नजर आ सकते हैं। दरअसल इन दोनों आयुष्मान खुराना अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के प्रमोशन में काफी बिजी हैं। इन दोनों लगातार वो किसी न किसी इवेंट में नजर आ रही हैं। इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान सौरभ गांगुली की बायोपिक को लेकर बात भी कही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, जब भी और जो भी होगा उस वक्त हमें ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट करनी होगी। खबरों की माने तो बीते दिनों सौरभ गांगुली की बायोपिक के सिलसिले में दो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनसे मुलाकात की थी। अंकुर गर्ग और लव रंजन के दादा से उनके बेहाला वाले घर पर बातचीत की है। इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट भी तैयार की जा चुकी है, हालांकि अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि सौरभ गांगुली से पहले खेलों पर कई बायोपिक बन चुकी है, जिसमें MS धोनी, मिल्खा सिंह, महावीर सिंह फोगाट, मैरी कॉम, कपिल देव आदि शामिल हैं।